हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओरली स्टेट कैप्सूल के बारे में। इस कैप्सूल का यूज वजन कम करने तथा मोटापा को कम करने के लिए किया जाता है। जानेंगे यह कैप्सूल आपको मार्केट में किस नाम से मिल जाता है, इसकी क्या क्या स्ट्रेंथ रहती है, इस कैप्सूल का यूज कैसे किया जाता है, इस कैप्सूल का क्या डोज रहता है और कितनी मात्रा में लिया जाता है, इस कैप्सूल से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इस कैप्सूल को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है, ये सभी बातें जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओरली स्टेट कैप्सूल की बात करते हैं तो इसे एंटी ओबेसिटी मेडिसिन भी कहते हैं और यह टेट्राहाइड्रोलिपेस्टेट इसका दूसरा नाम है। यह दवा लिपेस इनहिबिटर मेडिसिन है जो डाइट के साथ लिए गए फैट को एब्जॉर्ब होने से रोकती है, जिससे कि शरीर में कम कैलोरी बनती है और धीरे धीरे वजन कम होने लगता है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस कैप्सूल के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे एली, जेनिकल, लिपोकट, ओरलिका, ओस्टेट, ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस कैप्सूल के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 60 mg तथा 120 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है और यह जो स्ट्रेंथ है पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस कैप्सूल के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका यूज वजन को कम करने तथा मोटापा को कम करने के लिए किया जाता है। ओरली स्टेट कैप्सूल को लेकर कुछ क्लिनिकल टेस्ट किए गए, जिसमें ओरली स्टेट के साथ में डाइट तथा एक्सरसाइज करने की सलाह दी गई तो पाया गया कि अन्य व्यक्ति के कंपैरिजन में ओरली स्टेट कैप्सूल लेने वाले व्यक्ति का वजन 3 से 4 किलो अधिक कम हुआ। साथ ही यह दवा मोटे व्यक्ति में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में तथा टाइप 2 डायबिटीज को कम करने में हेल्प करती है। यह दवा सिर्फ उन्हीं व्यक्ति में फायदेमंद है जिनको ओबेसिटी की बीमारी हो, मोटापा हो, वजन बढ़ा हुआ हो और जिनकी BMI की रीडिंग 28 से ज्यादा हो। जनरली BMI की रीडिंग 18 से 25 तक नॉर्मल मानी जाती है और 25 से 28 तक आपके डेली रूटीन जैसे खान पान, रहन सहन से चेंज हो जाती है। लेकिन यदि आपके BMI की रीडिंग 28 से ज्यादा होती है तो उस समय इस कैप्सूल का यूज किया जाता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा नहीं है तो उस समय यह कैप्सूल ज्यादा फायदा नहीं करता है। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल को कब और कितनी मात्रा में लिया जाता है। यदि आपको डॉक्टर द्वारा यह कैप्सूल एडवाइस किया जाता है तो उस समय डॉक्टर आपको 120 mg का कैप्सूल दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह देते हैं और यदि आप बिना डॉक्टर की सलाह से इस कैप्सूल का यूज करते हैं तो उस समय आपको 60 mg का कैप्सूल दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। और इस कैप्सूल को खाना खाते समय या खाना खाने के तुरंत बाद इस कैप्सूल को लिया जाता है। और इस कैप्सूल को लेने के साथ साथ आप अपनी डाइट तथा फैट को 30% तक कम करें। जैसे यदि आप रोज 1200 कैलोरी लेते हैं तो कैप्सूल लेने के बाद आप 360 कैलोरी लें। 360 कैलोरी से ज्यादा आप फैट बिल्कुल नहीं लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इस कैप्सूल का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आपके डॉक्टर है वो आपको बताएंगे कितनी कैलोरी लेनी है और कितनी डाइट लेनी है। जैसा कि ट्रायल में पाया गया है कि कैप्सूल लेने मात्र से आपका वजन कम नहीं होता है, इसके साथ में आपको कुछ डाइट पे कंट्रोल करना होता है और एक्सरसाइज करना ज्यादा जरूरी होता है। और यदि कोई व्यक्ति 120 mg का कैप्सूल 3-4 बार से भी ज्यादा ले रहा है, यानी कि ओवरडोज ले रहा है, तो भी उसको उतना ही फायदा मिलेगा जितना एक प्रॉपर डोज में मिलता है। इसलिए आप इस कैप्सूल का ओवरडोज बिल्कुल भी ना लें। इस कैप्सूल के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस कैप्सूल को 3 महीने से लगाकर 6 महीने तक दिया जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यदि कोई व्यक्ति इस कैप्सूल का यूज कर रहा है और 3 महीने में उसका वजन बिल्कुल भी कम नहीं हुआ हो तो उस व्यक्ति को यह कैप्सूल नहीं दिया जाता है। और इस कैप्सूल को लेने पर हमारे शरीर में विटामिन तथा बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है, क्योंकि यह कैप्सूल हमारे शरीर में से विटामिन को एब्जॉर्प्शन को रोकता है, जिस कारण से इस कैप्सूल के साथ में मल्टी विटामिन के कैप्सूल भी दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल को लेने पर कौन कौन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे ऑयली स्टूल होना, ऑरेंज तथा ब्राउन कलर के स्टूल होना, बार बार पेशाब आना, बार बार टॉयलेट आना,
लूज मोशन होना, पेट दर्द होना, गैस्ट्रिक इरिटेशन होना, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस कैप्सूल को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं इस कैप्सूल को लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी होती है। इस कैप्सूल के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस कैप्सूल से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस कैप्सूल का दोबारा यूज ना करें। यदि किसी व्यक्ति को गॉल ब्लैडर से जुड़ी कोई समस्या होती है तो उसे यह कैप्सूल नहीं दिया जाता है। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसे भी यह कैप्सूल नहीं दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो उसे भी यह कैप्सूल नहीं दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं तो उसे भी यह कैप्सूल नहीं दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ईटिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो तो उसे भी यह कैप्सूल नहीं दिया जाता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो या आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें, आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको ओरली स्टेट कैप्सूल के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।